नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। भारत बंद के बीच आज चौथे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षाएं भी हो रही है। बता दें आपको कि आज भारत बंद है और इसे लेकर जगह जगह जो है वो तस्वीरें जो है वो साफ नजर आ रही, प्रदर्शन का दौर जारी है और इसी बीच छात्रों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। उनके पसीने छूट रहे हैं सेंटर तक पहुंचने में। और आपको बता दें कि भारत बंद के बीच चौथे चरण की सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि इस दौरान किस तरह के माहौल बने हुए हैं। देश भर में आज भारत बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। 21 अगस्त यानी कि आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से भारत बंद किया गया है। बिहार में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। सुबह से ही सड़कों पर आगजनी कर प्रदर्शन की जा रही है। इसी बीच आज बिहार में सिपाही भर्ती की चौथे चरण की परीक्षा भी होनी है। भारत बंद और परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभ्यर्थियों को सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का टेंशन जो है वो भी लगातार देखने को मिला है। क्योंकि भारत बंद होने के कारण सभी वाहन भी बंद है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। वहीं राज्य के 38 जिलों में 545 सेंटरों पर परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले ही सेंटर में प्रवेश करना होगा। इस परीक्षा में 3 लाख अभ्यर्थी जो होंगे वो शामिल होंगे। सिपाही बहाली परीक्षा का आयोजन 545 केंद्रों पर 12 बजे से 2 बजे तक एक पाली में परीक्षा होगा। भारत बंद के कारण परीक्षार्थियों को परेशानियां हो रही है। छात्र जैसे तैसे सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वहीं पटना के महेंद्रू इलाके में प्रदर्शनकारी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सभी सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी पटना में जबरन दुकानें बंद कराई जा रही है। डाक बंगला चौराहे पर भी भारी संख्या में फोर्स तैनात किए गए हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में SP समेत पुलिस के बड़े अफसरों को कमान संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर जगह जगह ट्रैफिक सिपाही जो हैं वो लगाए गए हैं। तो बता दें आपको कि भारत बंद के बीच बिहार में चौथे चरण की सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। ऐसे में छात्रों के बीच काफी मतलब जद्दोजहद बना हुआ है कि वो कैसे 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचेंगे। हालात ऐसे हैं कि भारत बंद के बीच प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चौथे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है। अब इस बीच छात्रों के बीच बड़ी समस्या आन पड़ी है कि किस तरह वो सेंटर पर ससमय पहुंचेंगे और अपनी परीक्षा को देंगे। तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बदलती है, इससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। जुड़े रहें NBC 24 के साथ।